तो हेलो गाइज, तो आज मैं दोराट में आया हुआ हूँ। आपको पता ही है, जैसे कि अपने होम टाउन पे आया हूँ, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर पंचदीप की जो जलेबी है ना, बहुत फेमस है। यहाँ अगर हम दोराट में आते हैं तो पंचदीप की जलेबी बहुत फेमस है। और मैं भी अधिकतर यहीं आया करता था, हमेशा यहीं बैठा करता था, यानी कि अपनी वाइफ को लेकर भी यहीं आया था मैं। यानी कि जब मेरी जो है लंबे रिश्ते से, यानी कि उससे पहले भी यहीं लेकर यहीं बैठते थे हम, और यहीं पर जलेबी खाया करते थे। और यानी कि अपना पुराना अड्डा काफ़ी है स्कूल टाइम से, बहुत ज़्यादा पुराना। आपने मेरे को कितने साल बाद देख रहे हो आज? उसे चार पाँच साल के बाद तो भाई साहब देख रहे हैं हमें आज। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपने होम टाउन पर आज कितने टाइम के बाद आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जानने वाले हैं, काफ़ी लोग चले भी गए हैं। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ में। और कुछ कहेंगे आप, बताइए आप यहाँ के बारे में बताएंगे, जलेबी यहाँ की कैसी फेमस है, क्या है, कुछ ही बोलो जरा, कुछ तो बोलो हमारी ऑडियंस को, कुछ बोलो। हाथ की बात होती है। अच्छा अच्छा, और ये भी तो हमारे काफ़ी पुराने हैं यार, ये भी तो काफ़ी पुराने हैं। ये भी तो हाँ, ये देखो ये जो रखे हुए हैं इन्होंने अपने साथ में, ये भी काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पे दुकान पे जो है काम हम क्या करते हैं। तो अभी मैं जरा मार्केट होकर आता हूँ, फिर मिलते हैं, जलेबी खाते हैं बैठ के, या फिर खिला देते हो तो खिला ही दो फिर अभी, जो तुम्हारी इच्छा। हाँ खिला दो, चलो तो बैठ के जलेबी खाते हैं और पुराने जो है पलों का आनंद लेते हैं यहाँ पे फिर से। तो दोस्तों अभी मैं होम टाउन पे हूँ अपने दोराट में, और मेरी जो पढ़ाई थी दोराट में यहीं पर हुई है, यानी कि मेरा बचपन भी यहीं गुजरा हुआ दोराट में। मैंने कक्षा ए से लेकर के, यानी कि नर्सरी से लेकर के ट्वेल्थ तक की पढ़ाई, और यानी कि ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया हुआ है। और ये मेरा सबसे जो पुराना दुकान है, यहीं बैठता था मैं। यहाँ बहुत फेमस दुकान है यहाँ पे पंचदीप यहाँ पे, और यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है। यानी कि यहाँ पे हम दही जलेबी खाया करते थे, और दोस्त लोग भी आते थे तो हम भी यहीं दही जलेबी खाते थे। तो आज जो है यहाँ पे आके ना, आज मैं 4-5 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मेरे को जो है कुछ पुरानी यादें थोड़ा ताज़ा हो रही है, अच्छा मन को फील हो रहा है। क्योंकि रुद्रपुर में रोज वही चिकचिकबाजी, वही जो है ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना, और उसके बाद वही हल्ला गुल्ला, वही ट्रेन की आवाज़, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सुकून है और दिल को एक अच्छा सुकून मिलता है। अगर आप हमारे यहाँ पर आएंगे दोराट में, और यहाँ से आगे दुनागिरी जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा आगे भी, तो आपके मन को एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। तो अब मैं जो है जलेबी का आनंद लेता हूँ, और सोच रहा हूँ कि अगर मेरी वाइफ होती मेरे साथ में, तो शायद कुछ पुराने पलों को और अच्छी तरह याद करते हम। बहुत टेस्टी जलेबी है, और यहाँ पर जलेबी के साथ में ब्रेड पकौड़े भी बनाते थे। कभी हम ब्रेड पकौड़े खाते थे, कभी समोसे खाते थे, छोले समोसे। तो अधिकतर मैं यहीं पर आया करता था। तो दोस्तों ये मैं आपको जो है अपने सभी पुराने पल धीरे धीरे करके अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताएं, और कमेंट करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें अपने भाई के लिए, क्योंकि आप ब्लॉगिंग जो है भाई कर रहा है आपका, तो प्लीज़ पूरा सपोर्ट दें अपने भाई को। और आप भी आइए और मेरे साथ जलेबी का आनंद लीजिए। ये आपका कभी दोराट आने का अगर हो तो यहाँ पर पंचदीप में आके आगे बार जलेबी जरूर खाएं यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे जो है ना ये पुराने मित्र हैं, और हमारे पुराने मित्र हैं, तो भैया मैंने इनको ही बुला लिया जलेबी खाने के लिए साथ में। तो अब हम दोनों जने मिल के जलेबी खाएंगे। तो हरबला जी, आपकी जो है ट्रांसफर नहीं हुआ ऐसे क्या अभी तक? हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यार यहीं के ही रह गए यार, बताओ यार, बहुत हैं कैसा? अब होंगे हम यार, तुम जो है बहुत खतरनाक है। लोनी जी है ना, लोनी जी तो आए रहे हैं, वो तो यार मेन तो वही है। उनको तो मैंने दिखाई दिया कि यार जलेबी के जो है मेन कारीगर वही है करके। तो दोस्तों हमारे जो है ये मित्र हैं, और काफी पुराने मित्र हैं, आज के नहीं। यानी कि आपने मेरे को छोटे से देखा है ना, जब मैं दुकान पे बैठा करता था, यहाँ पे दुकान चलाया करता था, स्कूल पढ़ा करता था, दिखाई नहीं तो दुकान, हाँ छोटा वाला भाई बैठता, पता नहीं क्या बैठता। हाँ जब स्कूल पढ़ा करता था, तो तब से जो है हमारी इनके संग मुलाकात है। और यानी कि जब स्कूल में पंगा हुआ करता था ना, कभी अगर झगड़ा पंगा भी हो गया तो भैया हम जो है सीधा और उसे बात नहीं करते थे, नीचे सीधा वही बात करते थे। हमारी जो धात थी ना वो हाई लेवल तक ही पहुंचती थी सीधा, यहाँ तक बताया तो था मैंने। हाँ हाँ पहुंचती थी, नहीं पहुंचती थी फिर तो। यानी कि हमारे उस समय जो है ना, यहाँ पर उस समय थाना भी नया नया खुला था, और गंगा सिंह पांडे जी थे। हाँ गंगा सिंह पांडे जी थे, और नया थाना खुला था जब हम छोटे थे, तो नया थाना खुला था 2004 में, और 2006 में मैंने हाई स्कूल किया है। तो दोस्तों जब यहाँ पर थाना खुला था, तो यानी कि पुलिस वाले जितने थे मेरे से दुकान पे आना जाना बैठना उनका होता ही था, और खुद खिला पिला के जाते थे मुझे, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं खिलाता था किसी को, मैं तो छोटा था। और मेरी अच्छी अनूप भंडारी तो खिलाता था, अनूप भंडारी के और भी थे यार, काफी लोग खिलाते थे मुझे। तो मेरे सभी अच्छे मित्र थे, आज अगर हाँ राम सिंह भंडारी हो गया, अनूप सिंह भंडारी हो गया, और काफी लोग थे, तो मुझे जो है बहुत अच्छा मानते थे वो सभी लोग, मुझे मतलब एक छोटा भाई की तरह मानते थे। तो अगर बाहर बुला दे, हाँ तो अगर बास में मेरा स्कूल में पंगा हो गया ना, तो अपनी धाक भी जमती थी, ऐसी बात नहीं है, उस समय चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो। तो अगर मेरा किसी से कोई पंगा हो गया मेरे से, वैसे कोई बेफालतू लड़ उलझता नहीं था पहले, तो हाँ जब उलझते थे तो उसके बाद उस समय मैंने तो बताया था, तो उस समय भाई लोग जो है अपने पहुंच जाते थे तुरंत यार, भाई पे हाथ में उठाना कोई भी करके, तो उस समय पुलिस से तो हर कोई डरता यार।
तो आपने ये धाक उस समय स्कूल में कॉलेज में और तो जलेबी का आनंद लो आप भी लो। तो आज ये पुराने पल जो है ना अपने को फिर से याद आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम मिले हैं यहाँ पर, हमारे पुराने मित्र हैं और जब मैं दोराट में था तो यहाँ पर जो है अपनी भी चलती थी उस समय, क्या धाक थी अपनी बताइए आपको, अच्छी खासी धाक किया फिर चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो। तो ये हमारे जो है काफ़ी मित्र लोग थे उस समय यहाँ पे, और अभी जो है उसमें से अनूप सिंह भंडारी जी हैं, पता नहीं आजकल कहाँ हैं, वो भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस में ही थे, वो भी पहले थे यहीं थे ना, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अभी शायद वो रुद्रपुर में है लेकिन मुझे पता नहीं कि रुद्रपुर में है या नहीं, अब मैं उनका पता करूँगा और उनसे मिलूँगा क्योंकि नंबर तो उनका है नहीं मेरे पास, और मिलते हैं। और बताओ फिर जरा कुछ यहाँ के बारे में, कुछ अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, बिखोती का चलेगा तुम्हारे 14 से। अच्छा 14 तारीख से बिखोती का, अभी 13 तारीख को बिखोती हुई भिवंडेश्वर में जाएंगे, 14 तारीख को मेला लगता है हमारे गांव का आता है, 15 तारीख को फिर और जगह का आता है, अच्छा फिर मीना बाजार वही होगा। अच्छा अच्छा तो अभी यहाँ पर हमारे मित्र लोग कहाँ गए यार, सब जो पुराने थे यार, वो तो पता ही नहीं है, कोई किसी से मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है। अच्छा अच्छा काफी दिनों बाद हुई है, कितने साल बाद? बहुत साल बाद हो रही है, तो ऐसे मिल गए आज हम, और अच्छा लगा आज कर दे तू, क्या करना है, क्या खाओगे बताओ, चलो खाओ, पार्टी वाल्टी करा देते हैं इनकी थोड़ा।